शिमला में आज हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं, खासकर संजौली इलाके में। दरअसल संजौली मस्जिद विवाद को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी शिमला के संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए शिमला में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यही नहीं, संजौली मस्जिद के परिसर के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि इस बीच ढली टनल के पास हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। पुलिस ने टनल के पास बैरिकेडिंग लगाई थी, हालांकि प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस वक्त हम संजौली में हैं, जहां पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ चुके हैं। आप देखिए, यहां पर बड़े बड़े बैरिकेड रखे गए थे ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन तमाम बैरिकेड्स को ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और यहां से जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां से जो संजौली मस्जिद है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और अब ये प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं संजौली मस्जिद की तरफ। आप देखिए, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी, बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं और अब इन बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है। और बता दें कि बैरिकेड्स को गिराने के बाद प्रदर्शनकारी संजौली की मुख्य बाजार की तरफ बढ़ गए हैं। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। इनकी मांग यही थी कि जो अवैध निर्माण किया गया है मस्जिद के, जो चार फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन फ्लोर्स को तोड़ा जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन शनिवार को जब सुनवाई हुई और अदालत ने अगली तारीख 5 अक्टूबर की थी, उसके बाद अल्टीमेटम खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि वो आज के दिन यानी कि 11 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से धारा 163 यहां पर लागू कर दी गई ताकि 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो और किसी तरह का प्रदर्शन न हो पाए। लेकिन ये प्रदर्शन न सिर्फ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि जो बैरिकेड्स लगाए गए थे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, प्रशासन की तरफ से उन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी टनल के रास्ते अब आगे संजौली बाजार की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, और अंदर बाजार की तरफ जाते हुए जितने बड़े बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए थे, उतने बड़े बैरिकेड्स यहां पर आगे नहीं है इस रास्ते में, क्योंकि प्रशासन को ये अंदाजा था कि इस टनल के अंदर तक प्रदर्शनकारी नहीं घुस पाएंगे, उन्हें यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पूरी ताकत लगाकर बैरिकेड को हटा दिया। 3 बड़े-बड़े बैरिकेड्स जो पुलिस के थे उनको हटा दिया गया, और अब देखिए प्रदर्शनकारी सड़क पर आगे बढ़ते हुए, और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं है बल्कि महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, और महिलाएं भी आगे इस प्रदर्शन में बढ़ते हुए। हम कोशिश करते हैं जरा महिलाओं से बात करने की, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद हर हालत में मस्जिद टूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए तो टूटनी चाहिए, बस मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए, सारे अवैध कब्जे हटने चाहिए, अवैध देखिए अवैध कब्जा हटना चाहिए। दरअसल पिछले कई दिनों से शिमला के संजौली इलाके में बनी मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दरअसल हाल ही में एक स्थानीय युवक की एक दुकानदार के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद ये सामने आया कि दूसरे राज्यों से आकर शिमला में बिजनेस कर रहे लोग अपना नाम बदलकर यहां रह रहे हैं। संजौली में मस्जिद विवाद से पहले यहां पास में ही मलियाना में शिमला में ही एक घटना घटी थी, जिसमें एक हिंदू युवक को मारा गया था, उसका सर फोड़ दिया गया था, उसको कई टाके आए थे, और उसके पीछे जो लोग बताए जा रहे हैं वो खास समुदाय से हैं, और मुख्य आरोपी जो है वो गुलनवाज अंसारी है। गुलनवाज अंसारी को लोग यहां कुणाल के नाम से जानते थे, क्योंकि वो अपना नाम कुणाल ही बताता था। और तो और देखिए कि आप जब उसके शॉप पर आएंगे, ये बार शॉप चलाता था, और उसकी शॉप पर जब आप आएंगे, अभी फिलहाल बंद है, तो आप देखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है आयत ग्लैम जोन लेडीज एंड जेंट्स हेयर स्पा कटिंग स्मूथिंग रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग, ये दुकान है। अब सोचिए जरा कि नाम गुलनवाज अंसारी, लोगों को नाम बताता है कुणाल, और दुकान चलाता है आयत के नाम से, क्या
शिमला में या हिमाचल प्रदेश में नाम बदलकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को धोखे में रख रहे हैं, और नाम बदलकर क्या यहां पर लव जिहाद भी चलाया जा रहा है, क्योंकि यहां आवाज अब उठ रही है। यहां के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो बताते हैं कि यहां पर नाम बदलकर ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ लोग यहां पर देखिए दुकान पर हम मौजूद हैं, और यहां पर कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? सर विशाल। विशाल जी, आप यहीं के रहने वाले हो? जी सर, स्थायी निवासी। ये बताएं कि ये कुणाल हो या बाकी जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, जिनके बारे में अभी मेरी बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि ये सभी लोग नाम बदल कर रहते हैं, ऐसा है क्या? जी सर, ये सभी जितने भी ये काम करते हैं वो सब अपना नाम बदल के रहते हैं। ये भी कई सालों से यहाँ कुणाल बनकर रह रहा है सर। अच्छा। कुणाल बनकर रहता है, ये पहले सुमटी में काम करता था, उसके बाद इसने यहाँ मैली मल्याना सारे में अपनी दुकानें खोली है, और जो इसके पास लड़के आते हैं वो भी सर हिंदू नाम से ही अपना नाम बताते हैं, और होते मुसलमान हैं और नाम हिंदू बताते हैं सर, हिंदू नाम बताते हैं अपना। हमने इनके मतलब 1-1.5 साल हो गया है सर, हमने इनका नाम चेंज कर, बकायदा ना बोर्ड पे कुणाल लिखा होता था सर, वो नाम हमने चेंज करवाया है कि अपना नाम लिखो, इसमें अपना नाम फिर नहीं लिखा है सर, इन्होंने आयात ग्लेन जॉन लिख दिया, अपना नाम नहीं लिखाते हैं सर। हमने इसके लिए भी कई बार इनसे 5-6 बार हम जब इनके पास गए तब जाके इन्होंने नाम चेंज करवाया है सर बोर्ड पे अपने, और इनके पास लाइसेंस होते नहीं है सर, लेडीज जेंट्स सबका काम कर रहे होते हैं सर। हमने इस चीज के लिए भी आवाज उठाई थी पर कोई फायदा नहीं हुआ सर। तो ये देखिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ कैसे नाम बदलकर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। एक खास बात ये भी है कि ये लोग नाम बदलकर क्यों रहते हैं, क्या इनको कोई डर है, या ये अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, अपना नाम छुपाकर दूसरों को धोखे में रखना चाहते हैं? सर ये सोचते हैं अगर ये अपना नाम, जो भी इनका नाम है गुलफाम असाम, जो भी इनका नाम है, अगर ये वो नाम बताएंगे तो लोग इनके पास, हमारे हिंदू लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो इसीलिए अपना नाम कुणाल वगैरह बना के, कोई मोनू कोई सोनू बना के इसीलिए अपना नाम आइडेंटिटी छुपाते हैं ये। तो ये एक आध कहानी ऐसी है, एक आध बातें ऐसी हैं कि अक्सर ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं? सर यहाँ पे जितना भी इनका समुदाय है ये सब अपना नाम सोनू मोनू कुणाल ऐसे इन्होंने सबने अपना नाम बदला हुआ है यहाँ पर। पिछले कुछ वक्त में यहाँ पर मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी है? सर 10-1 सालों में यहाँ पर, अगर जैसे पिछले 10 सालों में देखा जाए, जैसे 100 आबादी होगी मुस्लिम, तो जो आज के टाइम में देखा जाए तो ये कुछ नहीं तो ये 5-10 हजार हो चुकी है। 5-10 हजार हो चुकी है। और ये काम क्या करते हैं? किसी का डेंटिंग पेंटिंग का काम है, किसी का नाई का काम है बस, और किसी का टेलरिंग का काम है बस, इनका यही काम है, बाकी कोई काम नहीं इनका, रेडी फेडी का काम है इनका। और ऊपर आप संजौली जाएंगे, जितना भी संजौली में बाहर मार्केट दुकानों के बाहर जैसे शॉप्स लगी होती है सब्जी सुब्जी की, तो सारे में सर यही बैठे हुए, बाकी कोई नहीं है बैठा हुआ। और इन्होंने 60-60 हजार रुपये में दुकानें ली हुई है कईयों ने, तो आप सोचो सर ये 60 हजार रुपये ये कैसे निकालेंगे सर, ये 60 हजार रुपये एक शॉप का रेंट कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, तो ये नाम बदलने की एक बात जो सामने आई थी, क्योंकि अभी आवाज ये भी उठ रही है कि यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश होती रहती है या इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। इस मारपीट के बाद स्थानीय महिलाओं ने आरोप भी लगाए थे, यहाँ लगातार बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरे राज्यों से आए कुछ लोग महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है।